और सबसे बड़ा उलटफेर जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रहा था, एनडीए से ज्यादा सीट पर इंडिया आगे हो गया, इंडिया लाइंस आगे पहुंच गया है। यूपी में एनडीए 38, इंडिया 40 सीट से आगे, बड़ा उलटफेर इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बड़ा उलटफेर यहां पर काउंटिंग में, जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि लगातार उलटफेर हो रहे हैं, और एनडीए 38 सीटों पर और इंडिया अलायंस यहां पर 40 सीटों पर। कंचन, जाहिर तौर पर और जैसे ही 8 बजे से रुझान आने लगे थे, अनुभव मुझे याद है कि पहली सीट जो गई थी, जो पहला रुझान आया था वो इंडिया गठबंधन के खाते में ही गया था, लेकिन उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके अच्छी बढ़त बनाई। अगर आप 2019 के चुनाव देखेंगे तो अब तक ये स्थिति थी कि जो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही थी, जिस गठबंधन के साथ आगे चल रहे थे, यहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन में थी, इस समय तक स्थिति ये थी कि बीजेपी हर तरफ भगवा लहरा रहा था और सबसे ज्यादा रुझान में बीजेपी आगे चल रही थी। लेकिन 2024 में स्थिति थोड़ी सी उलट आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी जिस तरह से मनीष शुक्ला जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कहना जल्दी होगा, तो ठीक है इंतजार करेंगे हम लोग भी, क्योंकि जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आए हैं, ये एग्जैक्ट पोल बनते हैं या नहीं, ये देखना ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरा देश चाहता है। मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ है। ये जो बड़ी खबर है, बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए 38 और इंडिया अलायंस 41, अदर से एक। मनीष सिंह, सीधे मेरा सवाल आपसे है, मनीष शुक्ला अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, तस्वीर और साफ होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी शुरुआती रुझानों को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए अनुपम जी, हम लोग जब लोकसभा का आम चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण से ही ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता परिवर्तन के मूड में है। हम लोगों ने जनता के नब्ज को पहचाना कि जनता की आवश्यकताएं क्या हैं, युवाओं की आवश्यकताएं क्या हैं, मजदूरों की आवश्यकताएं क्या हैं, किसानों की आवश्यकताएं क्या हैं, दलितों के आरक्षण का सबसे बड़ा सवाल था, सामाजिक रूप से जो उनके अपमान किए गए इन 10 वर्षों में उसका सवाल था, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण खत्म किया गया भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसका सवाल था, अगड़ी जातियों में अभी क्षत्रियों जो सबसे बड़ा अपमान पगड़ी उछाली गई, इस पूरे भरे भारत में सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से पगड़ी उछाल करके अपमान किया, तो इन सभी चीजों का बदला भारत में भारत की जनता ने लिया है। एक बात, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये मनीष शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये 9 बजे से बैठे हैं इस चैनल पर और एक ही प्रवचन कर रहे हैं और 11 बजने जा रहा है, 2 घंटे का समय हो गया और कई बार इन्होंने दुहाई दिया है। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, संजय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, जल्दी से उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए जिस तरह से अभी तक 3 घंटे बीतने वाले हैं, संजय जी आपको क्या लग रहा है, ये रुझान जो है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे या फिर ज्यादा उलटफेर नहीं होगा या बड़ा उलटफेर हो जाएगा? देखिए अभी शुरुआती रुझान है, हमें लगता है कि 6-7 राउंड का भी काउंटिंग हुई, अभी तो कम से कम 20-25 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहा है ये चौंकाने वाले हैं कंचन, फॉर श्योर। लेकिन ये बोल दिया जाए कि समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस जीत रही है, ये नहीं है। लोगों का कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं, कैंडिडेट पे ज्यादा है, जो कैंडिडेट है कहीं उदा जो उनके काम करने का तरीका, उनका जो कार्य पद्धति है उससे नाराज है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में जरूर नजर आए थे, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए हमें लगता है वो काम नहीं किए हैं, और जो भी टैली आपको यहां पर दिख रही है सारा का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी के कंधे पे जाता है जीतने का और हारने का। संजय जी एक बात पे प्रभात जी को लूंगा और उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रभात जी सबसे बड़ी बात यह कि जो चुनाव हुआ था 7 चरणों में, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट का फैक्टर होता है या जो कैंडिडेट्स थे कैंडिडेट के सिलेक्शन में या तमाम चीजों पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर नुकसान कर रही है, एनडीए को नुकसान कर रही है इन सीटों में, या और कोई कारण? नहीं देखिए अनुपम जी, मैंने जब मैं स्टार्टिंग यहां आया अपने मैंने बात कही, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जो सवाल उठाया कैंडिडेट्स को लेकर और जातिगत आधार पर, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट ये रही कि ओबीसी वर्ग को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी, बाकी जो वर्ग था चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे और भी जो जितने भी आपके सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये बड़ी इस तरीके से जातिगत आधार पे टिकट बंटवारा जो है, मैं फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरक्षित सीट में भी, जैसे इटावा के रामशंकर कठेरिया का टिकट बदलने की बात थी, कौशल किशोर की बलियाबाद से टिकट बदलने की बात थी, कई टिकट ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं बदल पाई क्योंकि पहले ये चर्चा चल रही थी कि 30-35 टिकट लगभग लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, क्यों नहीं बदला, क्या चूक हुई, ये तो वो समीक्षा करके बताएंगे, लेकिन
पूरी तरीके से ये चुनाव कहीं ना कहीं जो आक्रोश जनता का दिखाई दे रहा था, जैसे अखिलेश की मीटिंग्स में आपने देखा होगा भगदड़ मची, बहुत सी भीड़ आ रही थी, ये संशय लगाया जा रहा था क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। ऐसा लग रहा है कि वोट में तब्दील हुई है वो भीड़, और जो समर्थन अखिलेश को मिल रहा था। लेकिन शाम तक मेरा अपना यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और अच्छा करेगी और समाजवादी पार्टी थोड़ा नीचे आएगी। जो आपने बात की है संजय जी, इस पर एक आपका रिएक्शन भी लेना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात तो लौटूंगी आपके पास, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। रुझान में एनडीए 300 सीटों से कम पे जा रही है, रुझानों में इंडिया 222 सीटों से ऊपर पड़ता हुआ और 300 सीटों से नीचे जाता हुआ एनडीए गठबंधन जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप उलटफेर कहिए, क्योंकि संजय जी ये हम कह सकते हैं कि अब जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़त बना रहा है, और जो एनडीए है वो पीछे जा रहा है। 400 नारा जो है वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 7:30 से स्टूडियो में आपके, और जिस तरह से टैली बहुत तेजी से एनडीए के बढ़ी थी, उस हिसाब से अब बढ़ना कम हो गई है, रुक गई है, और जो इंडिया अलायंस की टैली बढ़ रही है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, आपने योजनाएं बहुत अच्छी लाई, आपकी सब सारे प्लानिंग बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को समझाने में आप फेल हो गए। और उसका मैं बार बार कारण देखिए, दो चार बड़े नेता, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी, वो तो काम कर रहे हैं, जो दूसरे नेता है वो इनके भरोसे जी रहे हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। अगर मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा, तो आप अपने क्षेत्र में जाकर आरक्षण की बातों को समझाया, नहीं समझाया, लाभार्थी वर्ग उसको समझाया। एससी वोटर अगर आपसे कट रहा है आज के दिन में परसेंटेज में, इंडिया लाइंस की तरफ जा रहा है, तो प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं। संजय जी, सवाल यहां पर यह होता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो लड़कों की जोड़ी को लेकर के सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से इन लोगों ने युवाओं को लेकर के, अग्निवीर को योजना को लेकर के मुद्दा बनाया, या बाकी जितनी सारी चीजों को लोग कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी पब्लिक तक एक मैसेज देके गई है, और यही कारण यहां पर इस टैली में स्कोर में शो हो रहा है। अनुपम, यही मैं बताने की कोशिश करूं, अग्निवीर की योजना को शायद सरकार या उनके प्रतिनिधि या उनके नेता समझाने में फेल हो गए। मान लीजिए 100 लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, 25 तो ऐसे भी कंटिन्यू करने वाले थे, सिर्फ 75 निकलने वाले थे अग्निवीर से, लेकिन ये नेता शायद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। यही मैं बोल रहा हूं, ये जो कमियां हैं, गैप है, इसके कारण ही एनडीए का जो टैली हो उस पर लगातार कमी हो रही है। ऐसा नहीं है टैली ऊपर नीचे जो हो रही है, इस पर डॉक्टर परमवीर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर। परमवीर जी, आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, अब तो खैर आप हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक हमने 7 फेज के चुनाव किए उसमें हर तरफ यही बात हो रही थी कि रैलियों के अंदर वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, मंगलसूत्र या फिर कोई भी ऐसा चुनावी मुद्दा खटाकर जो छूटा ना हो। आज नतीजों का दिन है, ये टैली ऊपर नीचे हो रही है, और यहां पर जो नतीजे जा रहे हैं वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास अच्छी खबर लेते हुए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है, ये देखिए, ये भी एक खेल की तरह होता है, कभी क्रिकेट के मैच में जैसे कभी आगे कोई पीछे चलता रहेगा, लेकिन 12-1 बजे के बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। अभी 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 आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर इन रुझानों? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, मेरा विश्लेषण सिर्फ इस बात से, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है कि ईवीएम निर्दोष साबित हुई और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कल तक हवा बनाई जा रही थी कि भाई सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इस देश में, ऐसा नहीं है। अब कम से कम ये सबके सामने स्थिति साफ है कि भाई सब लोग करप्ट नहीं है। कुछ हो आप जिसे आप सिर्फ आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है ये पारदर्शी है यहाँ पर। अब रही चुनाव में रिजल्ट की बात, देखिए हमें ढूंढना नहीं होगा, विपक्ष अब चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएगा अच्छे नंबर बिल्कुल उठाने पर। अब उनका अधिकार बचता नहीं है, अगर उठाए तो वो मतलब ये तो फिर आप कर सकते हैं जो भी मन में आए कीजिए, लेकिन ये सामने दिखाई दे रहा है आपके कि आपका जो वो था वो टोटल आपने मन बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन मैं इस पूरे इलेक्शन को, सातों चरणों को क्योंकि कवर किया हूं, एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि हम इस टैली को देख रहे हैं, जिस टैली को इंडिया अलायंस अच्छा स्कोर दे रहा है, एनडीए अच्छा स्कोर दे रहा है, अदर्स ने भी अपना एक खाता खोला हुआ है, लेकिन हम बीएसपी को देख रहे हैं कि बीएसपी यहां पर शून्य पर है। आपको क्या लग रहा है कि आखिर बीएसपी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान की, इस तरीके से विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, सवाल यहां पर यह है कि बीएसपी ग्राउंड पर क्यों कोई करिश्मा नहीं कर पाती हुई दिख रही है? सर देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में कहावत होती है, जब चुनाव चल रहे थे तो आप लोग भी फील्ड में होंगे, मैंने भी फील्ड में देखा था, बीएसपी के जो लोकल कार्डर है वो कहीं पर एक्टिवेटेड थे ही नहीं,
आज के टाइम के ऊपर देखिए सोशल मीडिया के ऊपर स्थिति आपकी जिसकी मजबूत होती है वो बहुत जरूरी होता है। वहां पर भी बहन जी तो वैसे बहुत देर से आई थी लेकिन बीएसपी के तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहां तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो कंगना रनौत अपनी सीट पर आगे चल रही हैं, मंडी सीट से बीजेपी की टिकट पर है और अच्छे खासे मार्जिन से अपनी इस सीट पर आगे चल रही हैं और अपनी जीत के लिए आश्वस्त भी दिख रही हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, एक एक जल्दी से आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे इस बात के ऊपर कि देखिए जो वादे चुनावी समय तक हमने देखे, जो 7 चरणों के मतदान तक देखे, वो अब पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जीत के दम सभी ने भरे। मगर अगर हम उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वहां अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आलोचना भी की गई थी उनकी जब ये गठबंधन बन रहा था, एक सीट उन्होंने भदोही की टीएमसी को भी दी, उस पर भी टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, ये फ्रूटफुल साबित हो रहा है। मतलब अखिलेश ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लोग बहुत कमजोर समझ रहे थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के साथ अखिलेश जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटी वोट के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उठ रही थी। लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पे जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मतदाता के जहन में ये था कि अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लड़ सकता है या कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कांग्रेस बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई है। प्रियंका गुप्ता जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जो स्कोर है टैली में वो आप लगातार देख रही होंगी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी, और ओवरऑल फिगर्स भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्या रिएक्शन पहले आपका? देखिए सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद दूंगी, जिस तरह से आज रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वोटों की गिनती स्टार्ट होते ही उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल ही एक नए फॉर्म में नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, किस तरह से उन्होंने किसानों ने जो पशुओं की समस्या थी आवारा पशुओं की उसके खिलाफ वोट किया, किस तरह से जो झूठ और जुमले थे उसके खिलाफ वोट किया गया है। मैं पूरी तरह से देख सकती हूँ कि जिस तरह से जीत की तरफ हम अग्रसर हैं उससे जनता भी उत्साहित है, क्योंकि जनता ने इस बार अपने मुद्दों पर वोट दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई में सराहनीय है। आप देखिए कि बनारस जैसी महत्वपूर्ण सीट पर आदरणीय अजय राय जी जिस तरह से आगे चल रहे हैं, चाहे वो अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अन्य सीटें हो, चाहे गठबंधन की सीटें हो, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं और एक सरप्राइजिंग मोमेंट है वो सबके लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार देश क्या उम्मीद है आपको प्रियंका, अभी जो टैली है आपको क्या उम्मीद है, ये और आगे आपके फेवर में बढ़ेगी या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा है उसको छू करके इसी को परिणामों में तब्दील हो करके सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी? देखिए मुझे लगता है कि सत्ता की चाबी इस बार देश की जनता ने बदलने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन को बहुमत के साथ वोट मिल रहे हैं और जो उत्साह आप देख सकते हैं वो वाकई में सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जो बदलाव की बयार है ये शुरू हो चुकी है। इस बदलाव की बयार में जिस तरह से आप देखिए ये कई सीटें हैं जिसमें आप बढ़त बनाए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनके बारे में लगातार प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। संजय राणा जी, दो सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला ये कि अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो वोटिंग परसेंटेज सातों चरणों में कई जगहों पर सवालों के घेरे में आया क्योंकि वोटिंग टर्नआउट काफी कम हुआ था। तो क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोग वोट डालने के लिए नहीं गए और उसकी वजह से कई प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़े या उनको उतने वोट नहीं मिल पाए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोगों ने प्लानिंग की और एक एक सीट पर कैंडिडेट सामने जो उतारे वो भी प्लानिंग के तहत उतारे, चाहे रायबरेली की हम बात कर लें या अमेठी की बात कर लें या और बाकी जगहों की बात कर लें। देखिए जहां तक आप बात कर रहे थे वोट परसेंटेज की, तो फेज वन और फेज टू में नो डाउट 3.78 और 3.41 का डिफरेंस था जो पुराने 2019 से अगर कंपेयर किए थे, लेकिन बाद में आते आते 1% और 0.78% का रह गया था, बहुत कम मार्च डिफरेंस रह गया। देखिए वोट परसेंटेज का ऐसा कुछ वो नहीं, अगर कम पड़ रहा है तो कंटिन्यू करेगा, ज्यादा हो गया तो बदलाव है। आपके हिसाब से अगर
वोट परसेंटेज का अगर टैली होता ये बढ़ना, तो फिर तो बदलाव दिख नहीं रहा होता। देखिए अब टैली में तो इंडियन अलायंस काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे, अगर कांग्रेस की बात करें तो सेंचुरी मारने की तरफ है, समाजवादी पार्टी 4-5 गुना 6 गुना बढ़ गई है, वो शाम तक हमें सब पता चल जाएगा। लेकिन ये कोई आंकड़ा नहीं होता कि अगर कम हो रहा तो किसी कैंडिडेट को हार सकता जीत सकता है। जहां तक चर्चा कर रहे थे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो किया गया उत्तर प्रदेश में, देखिए कैंडिडेट का सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल वोटर के दिमाग में एकदम क्लियर था मोदी या दूसरा कोई और भी, कोई भी पार्टी लड़ती। देखिए यहां पे सिर्फ आप बात करेंगे तो आप इंडिया अलायंस में अगर बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी कहीं पे इसलिए नहीं दिख रही है आपको कंचन जी, अनुपम जी, उसका कारण है कि वोटर डिसाइड कर चुका था आइदर राइट विंग और लेफ्ट विंग। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हम रोकेंगे आपको।